की किताब कुरान आयतों का इनकार क्यों करते हैं? सांप मिला देते हो, बातिल और हक की ज़्यादातर खिताब यहाँ यहूदियों से, इसलिए मदीने में रहने वाले बसने वाले वो यहूदी थे। तो रब फरमाता है खिताब की एक जमात के गिरोह ने ना आपस में बातचीत की, और ये के जो बड़े बड़े उन्होंने अपनी आवाम में वो कहते हैं कि आमिनू बिल्लजी उनजिल अला लजीन आमिनू, आमिनू तुम लोग ईमान ले आओ, बिमा उनजिला उस चीज़ पर जो नाजिल किया गया अला लजीन आमिनू ईमान वालों पर, यानी कि अल्लाह के रसूल पर और मोमिनीन पर जो कुरान की आयतें नाजिल हुई भी अहकाम नाजिल हुए सुबह 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 ईमान ले आना है, जाना है हाजिर होना कि भाई हम ईमान लाए इस्लाम कबूल किया। और शाम को काफिर हो जाओ, मुर्तद हो जाओ, इनकार कर दो, ये उन्होंने कहा। यानी कि उलमा की आवाम का मैंने पहले बताया कोई लेना देना ही नहीं है, आवाम तो कुछ जानती नहीं थी। तो अब ये जो उलमा अहले किताब हैं यहूदी, वो अपनी एक जमात से कहते हैं कि काम करो तुम जाना सुबह सवेरे और जा तुम ले आए ईमान, हाँ, लेकिन बाद में शाम में मुनकिर हो जाना, काफिर हो जाना। जब शाम में काफिर हो जाओगे तो फिर लोग सोचेंगे यार इन्होंने कुछ तो गलत देखा होगा, कुछ तो ख़राबी देखी होगी, तभी तो पलट गए, है ना। कहते हैं कि लअल्लहुम यरजिउन, इस काम का मकसद, इस अमल का मकसद क्या, लअल्लहुम यरजिउन, हो सकता है कि मुसलमान ऐसे हों जो पलट आएँ, जो इस्लाम छोड़ दें, है ना, इस्लाम से लौट आएँ। तो अहले किताब की जमात का यहाँ एक जिक्र है कि उन्होंने ये तदबीर इख्तियार की है, समझो मकरो करना चाहते हैं मुसलमानों के साथ, साहबा के साथ, वो और एक चाल चल रहे हैं, यानी कि चाल की पोल खोली जा रही है, अल्लाह ताला ने इनकी पोल खोली। शान इस आयत मुबारक के दो शान नज़ुल बयान किए जाते हैं, दो रिवायत में, एक तो ये कि खैबर के जो उलमा थे, जो खैबर के यहूदी उलमा, उन्होंने उनमें से 12 लोगों ने आपस में मशवरा किया, 12 लोग उन्होंने आपस में मशवरा किया कि मुसलमानों को बहकाने के लिए एक चाल चली जाए। अब वो ये चाल दिया कि दुनिया की एक जमात सुबह सुबह जाकर इस्लाम कबूल कर लें और फिर शाम को इस्लाम को सच्चा मुस्तफ कर जाए, ताकि लोगों को ये लगे कि ये लोग वित्तीय और जिस पर अड़े नहीं रहे कि हम इस्लाम को नहीं करेंगे, इस्लाम दाखिल उन्होंने बता दिया कि नहीं, हमको हक के खिलाफ है, हमको सारी जो हक है वहाँ हक होगा, हमको उसी तरफ रहेंगे, जब लोगों के हक में तो लोग ही रहेंगे, काम हक पर तो मुसलमान हो जाए, काम को तो बहुत है। वापस पलट गए, हमने वो अखलाक वो खसलतें नहीं देखी कि जो बात तौरात और इंजील में बयान की गई या तौरात में बयान की गई है ना, वैसा इस्लाम नहीं है। तो फिर हमने वो सारी बात नहीं की कि सारी बात हमें लगा कि दुरुस्त दीन नहीं है, तो हम पलट गए। ये हम यानी कि लोगों के दिलों में शक
अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश थी कि हमारा क़िबला जो है वो हज़रत इब्राहिम वाला क़िबला हो, मेरे बाप हज़रत इब्राहिम का जो क़िबला था वही मेरा भी क़िबला हो जाए और खाने काबा होना चाहिए। तो 17 महीने तक तो आप बैतुलमक़दस की तरफ नमाज़ पढ़ते रहे, मदीने में थे और आप नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज़ पढ़ाते तो बार बार आसमान की तरफ देखते, है ना। देखिए हमारे लिए आसमान की तरफ देखना मकरूह है, नमाज में हम ना ऊपर नहीं देखें, आसमान की तरफ नहीं देखना, हमको नीचे देखना है, लेकिन ये हुजूर की अदा है। अच्छा, अल्लाह ने तंबीह नहीं फरमाई, ए महबूब आसमान की तरफ बार बार क्या देखते हो, नीचे देखो। अल्लाह ने ये तंबीह नहीं फरमाई, बल्कि रब खुश हो गया, ए महबूब आपका बार बार आसमान की तरफ है ना ऊपर नज़र उठाकर देखना, हम देख रहे हैं। अल्लाह फरमाता मैं देख रहा हूँ, क्या आप बार बार ऊपर देखते हैं, जाओ बदल दिया, जाओ बदल दिया क़िबला, है ना। तो दरमियान नमाज में क़िबला तब्दील हो गया, है ना। अल्लाह को अपने महबूब की यह अदा पसंद आई, है ना। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, आप देख रहे हैं, है ना। फिर आपने फरमा कि हम अनकरीब बदलेंगे, फिर फरमा चलो बदल दिया, घूम जाओ, है ना। दो रकात हुई थी इधर, दो रकात पड़ी उधर, है ना। तो अब ये कि जब क़िबला तब्दील हुआ और मुसलमानों का क़िबला बैतुलमक़दस से खाने काबा हो गया, तो यहूदियों को ये बात बड़ी भारी लगी, बड़ी गिरा गुजरी, यार हमारा क़िबला छोड़कर ये उधर वाले क़िबले पर चले गए, है ना। ये खाने काबा जो है वो कुफर मुशरिकीन का क़िबला था, कुफर मुशरिकीन उसकी तरफ इबादत करते थे, वो बुतों की इबादत करते थे, लेकिन उनका ये क़िबला था, और यहूद नसारा का क़िबला बैतुलमक़दस था। तो अहले किताब का क़िबला छोड़कर जो कुफार मुशरिकीन का क़िबला था उसकी तरफ आपने नमाज़ पढ़ना शुरू की, तो ये इन पर बड़ा भारी गुजरा। तो काब इब्न अशरफ यहूदियों का सरदार था वो, और सैफ इब्न मालिक, मालिक इब्न सैफ, इन दोनों ने मिलकर आपस में यानी कि मशवरा किया और अपने दोस्तों के साथ ये बात शेयर की कि मुसलमानों को बहकाने का एक अच्छा मौका है, तो हम मुसलमानों में से यानी जाएँ, जाकर शामिल हो जाएँ, यानी इस्लाम कबूल कर लें, कलमा पढ़ कर मुसलमान हो जाएँ, और फिर उसके बाद जो है हम शाम होते होते पलट जाएं, लोग पूछेंगे भाई क्या हुआ, क्यों इस्लाम छोड़ दिया, तो कहेंगे हमने अपनी किताब में तो तब्दीली क़िबला का बयान नहीं पढ़ा, हमारी किताब में तो नहीं लिखा है कि भाई बैतुलमक़दस छोड़कर खाने काबा की तरफ वो नमाज़ पढ़ेंगे, तो हमने छोड़ दिया कि ये तो खाने काबा, अगर वो बैतुलमक़दस ही की तरफ नमाज़ पढ़ते तब तो हम समझ जाते कि वो हक पर हैं, हमने अपनी किताब में तो ऐसा पढ़ा नहीं। हालाँकि इनकी किताबों में लिखा हुआ था, ये मौजूद हुजूर की सिफात में यानी हुजूर की के औसाफ़ बयान किए गए, बाकायदा पूरा हुलिया बयान किया गया, कैसे बाल होंगे, कैसा चेहरा होगा, कैसे हाथ, कैसे पैर, पैर में कितना गोश्त होगा, ये भी बयान किया गया, है ना। सब बयान किया गया, कैसा रंग, सारी चीज़ें, सारे औसाफ़ बयान, वो कैसे चलेंगे ये भी बयान कर दिया, यानी सारे औसाफ़। तो उसी में आपकी सिफात और खसूसियात में ये भी बयान किया गया कि आप दो हरम के रहने वाले, एक हरम में पैदा होंगे और दूसरे हरम की तरफ हिजरत करके जाएंगे, और उसमें ये भी कि वो साहिब क़िबलतैन होंगे, दो क़िबलों की तरफ नमाज़ पढ़ेंगे, तो बैतुलमक़दस और खाने काबा, है ना। तो बनू इसराइल का और नसरानियों का क़िबला जो है वो खाने काबा था, लेकिन इनसे भी पहले हज़रत इब्राहिम का क़िबला खाने काबा था, उससे भी पहले हज़रत इब्राहिम, हज़रत आदम और अगले अंबिया इकराम, यानी कि जब तक हज़रत मूसा ईसा की यानी बेइज़्ज़त नहीं हुई है, तो हज़रत मूसा ईसा से पहले वालों का क़िबला खाने काबा था, फिर वो बैतुलमक़दस खाने काबा क़िबला बनाया गया। तो बहरहाल उसमें हुजूर की ये सिफत जो बयान की गई, लेकिन उन्होंने छुपाया, और ये एक चाल चली कि हम कहेंगे कि हमारी किताबों में तो है ही नहीं कि खाने काबा क़िबला होगा, तो इस वजह से जो है हमने इस्लाम छोड़ दिया। तो लोगों के दिलों में शक व शुबा पैदा होगा कि हाँ यार यहूदी अहले किताब है वो भी बैतुलमक़दस की तरफ इबादत करते हैं, नसरानी ईसाई वो भी अहले किताब हैं वो भी बैतुलमक़दस की तरफ, ये अलग अहले किताब निकले जो इधर घूम के, है ना, सबका तो इधर होता था, इनका इधर कैसे हो गया, तो लोगों के दिलों में शक व शुबा पैदा होगा, वो इस्लाम से फिर जाएंगे। तो इस वजह से इन्होंने जो है इस तरह की बात की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत मुबारक नाज़िल फरमाई कि यहूदी अहले किताब की जमात ने कहा कि तुम सुबह इस्लाम कबूल करो, ईमान ले आओ, आमीन ईमान ले आओ, और जब शाम हो तो फिर मुर्तज़ हो जा, हो सकता है कि मुसलमान भी लौट आए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस चाल को खोल कर रख दिया। तो ये यानी कि जितने भी यहूदी हैं जो बनावटी बातें करते हैं, जो इनकी किताबों में है हक बात उसे छुपाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ये चाल खोल भी दी, मुसलमानों पर बातें भी फरमा दी,
और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, वो तो खैर है ही है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए आगे की आयत में एक और बात बयान की कि ये अपने लोगों के साथ जो बातें करते हैं तो कहते हैं इल्ला लिमन तबिया दीनकुम, वो ये कहते हैं कि तुम यकीन मत करना, वला तुमिनू यहाँ ईमान से मुराद यकीन है, तस्दीक करना, तुम यकीन मत करना मगर उन्हीं की बातों की या उन्हीं के दीन को जो तुम्हारे दीन की पैरवी करते हैं उन्हीं की बात मानना, है ना। यानी कहने के बाद अब यह भेज तो रहे हैं कि सुबह जाना इस्लाम कबूल करना शाम को पलटाना, लेकिन दिल में एक ख़तरा भी है, एक अंदेशा भी है, कहीं ऐसा ना हो कि जाएं तो वहीं के होके रह जाए, कि ऐसा ना हो जाए कि जाएं वहीं के होके रह जाए, है ना। ये वापस आने भी चाहिए तो पट्टी पढ़ा रहे हैं कि देखो यकीन मत करना किसी की बात पर सिवाय उसी की बात पर यकीन करना जो तुम्हारे दीन की पैरवी करते हैं, यानी हम उलमा हैं, हमारी बात मानना, हमारे सिवा किसी और की बात मत मानना, तो दिल में खतरा भी है। और ऐसे बहुत से लोग हैं भी जो सच्चे थे और वाकई हक की तलाश में थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, यहूदी आलिम होकर भी इस्लाम कबूल किया, तो इन्होंने यानी कि वला तुमिनू इल्ला लिमन तबिया दीनकुम, उसी की बात मानना और यकीन करना उसी की बात पर जो तुम्हारे दीन की पैरवी करता है। कुल इन हुदल्लाही इन हुदा हुदल्लाही, अल्लाह फरमाता है ए महबूब आप फरमा दें कि बेशक हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है, हिदायत तो सिर्फ़ अल्लाह ही की हिदायत है, अल्लाह जिसे चाहे। अन युता अहदुम मिसल मा उती तुम और युहाज्जुकुम इंद रब्बिकुम, बेशक हिदायत अल्लाह ही की हिदायत है, तो वो किसी को वैसा दे जैसा कि तुम्हें अता फरमाया, अल्लाह किसी को वो दे वैसा अता फरमाया जैसा तुम्हें अता फरमाया, मैं तुम्हें तौरात दी थी तुम्हें इंजील दी थी वैसा अल्लाह किसी और को भी दे दे, है ना। तो वो कुरान अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया मुसलमानों को, जैसे तुम्हें तौरात दी ईसाइयों को इंजील दी, अल्लाह ने मुसलमानों को कुरान अता फरमाया, तो रब फरमाता है कि भाई अल्लाह हिदायत तो सिर्फ अल्लाह की हिदायत अल्लाह जिसे चाहे अता फरमाया, और जिस तरीके से चाहे, तुम्हें तौरात के जरिए कभी हिदायत दी इंजील, कभी इंजील के जरिए हिदायत दी, और अब ये मौका है कि अल्लाह ने कुरान के जरिए हिदायत अता फरमाया, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें या तुम्हारे रब के सामने वो तुम्हारे खिलाफ हुज्जत लाए, तुम्हारे रब के सामने वो तुम्हारे खिलाफ जो है हुज्जत ला सके, अल्लाह उन्हें ऐसे दलीलें अता फरमा दे कि रब के सामने वो तुम्हारे खिलाफ हुज्जत ला सके, मौला तूने है ना ये मौजज़ात दिए, ये दलीलें दी, फिर भी इन्होंने नहीं माना, तो ये अल्लाह की मर्ज़ी की बात है, अल्लाह जिससे चाहे हिदायत अता फरमाए। कुल इन इन फ़ज़्ल बियदिल्लाह, महबूब आप फरमा दें बेशक तमाम फ़ज़्ल व करम अल्लाह के दस्त करम में है, युती ही मैया शाह, अल्लाह जिसे चाहे अता फरमाता है, फ़ज़्ल अल्लाह ही के हाथ में है और अल्लाह जिसे चाहे अता फरमाए, अल्लाह की मर्ज़ी और मशीयत की बात है, युती ही मैया शाह, अल्लाह जिसे चाहे दे, वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह बड़ी वसअत वाला और बड़े इल्म वाला है। यख्तसु आयत नंबर 72 की, आयत नंबर 73 में फरमाता है, 72 की और 74 में फरमाता है, यख्तसु बिरहमतिही मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्ल अज़ीम, अल्लाह अपनी रहमत के साथ जिसे चाहता है ख़ास फरमाता है, अल्लाह बड़े ही अजीम फ़ज़्ल वाला है, अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमतों के साथ ख़ास फरमा लेता है, जिसे चाहे अता फरमाए, और अल्लाह जो है वो बड़ी ही रहमतों वाला है, बड़े अजीम फ़ज़्ल वाला है। तो उलमा यहूद ने जब बाज़ लोगों को धोखा देने के लिए इस्लाम लाने का कहा, लेकिन उन्हें एक दिल में खदशा हुआ, तो उन्होंने साथ में ये भी एक पट्टी पढ़ा दी कि भाई तुम अपने उलमा ही की बात मानना, हमारी बातों पर यकीन करना, मुसलमानों की बातों पर यानी सहाबा पैगंबर के नबी की बात पर यकीन मत करना, ऐसा ना हो कि तुम उनकी तालीमात और उनकी बातें सुनकर उन्हीं के हो जाओ वहीं रह जाओ, ऐसा नहीं, शाम को पलट कर आना है, इत्तेदाद करना है, उनकी बातों पर यकीन मत करना। तो ये फिर उन्हें थोड़ी सी यानी कि ये भी बातें सिखा दी कि जो अल्लाह ने तुम्हें बुजुर्गियाँ अता फरमाई वो किसी को अता नहीं फरमाई है, अल्लाह ने हत मूसा को तौरात अता फरमाई, हत मूसा को ऐसे मौजज़ात अता फरमाए, ये किया वो किया, वो सब यानी कि अपनी फजीलतें सिखा रहे हैं, अल्लाह ताला ने अपने महबूब के ज़रिए से ये ऐलान फरमाया भाई अल्लाह की हिदायत से अल्लाह जिसे चाहे अता फरमाए, और ये भी हो सकता है जैसे अल्लाह ने तुम्हारे पैगंबरों को दिया, इस पैगंबर को अल्लाह ने उससे बढ़कर अता फरमाया,
कि बस इसी को मिलेगी, कहीं और नहीं, है ना भाई। ये इससे एक बात हमें भी समझनी चाहिए, वो क्या, वो ये कि हम मुसलमान हैं, हमारी जन्नत कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर बंदों के नाम यानी कि आमाल बस उससे बदतर होते जाए, हो सकता है अल्लाह हमसे नाराज हो जाए, हमसे ईमान सल्ब फरमा ले, हमसे ईमान सल्ब फरमा कर वो किसी ऐसी कौम को दे दे, किसी ऐसी कौम को जो जिसने कभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, माना नहीं था, वो अचानक इस्लाम कबूल कर ले और वो इस्लाम का काम करना शुरू कर दे, हम जहन्नम की तरफ जाएं। जो जहन्नमी होने वाले हम समझ रहे थे वो तो जहन्नमी, हम जन्नती, हो सकता है अल्लाह उन्हें ईमान दे दे, हमसे सल्ब कर ले, हम जहन्नमी हो जाएं, वो जन्नती हो जाएं। तो हमें इस बात पर बहुत ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें आमाले सालिहा के ज़रिए से अपने ईमान की हिफाजत की ज़रूरत है, कि आमाले सालिहा ये ईमान के लिए मज़बूत किला हैं। हम आमाले सालिहा करें तो फिर ईमान अल्लाह के फजल करम से, हमारे आमाले सालिहा की बरकत से, अल्लाह के फजल करम से हमारे ईमान की हिफाजत हो जाएगी और हमारे सीनों में ईमान महफूज जाएगा। अब ये हमारा हाल है, हमारे चूँकि जैसे जैसे ज़माना क़यामत से करीब होता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों के दिलों से ईमान की वक़ात, उसकी अज़मत, वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। वरना तो सहाबा जो सरकार के करीब के ज़माने के, उनका हाल ये था कि वो हमेशा अपने ऊपर कुफ्र का खौफ रखते थे, निफाक का खौफ रखते थे, वो यानी डरते थे कि मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। एक मरतबा एक सहाबी रसूल रो रहे हैं, रोए जा रहे हैं, आए अफसोस, हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहुँचे, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? क्या मुझे डर लगता है कि मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया, यानी लग हम ये समझ रहे हैं कि मैं मोमिन हूँ, मोमिन हूँ, मुझे डर लगता है कि मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, ऐसा क्यों? तो वो फरमाते हैं कि वो इसलिए कि मैं जब हुजूर की बारगाह में बैठता हूँ और हुजूर जब बयान करते हैं ना, तो मैं यानी कि बिल्कुल जन्नत जहन्नम का जिक्र सुनता हूँ, मैं ऐसा हो जाता हूँ कि नहीं, मैं तो अब ऐसा ही करना, ऐसा नहीं करना, है ना, और दिल में बिल्कुल खशियत पैदा हो जाती है, सच्चा पक्का मोमिन हूँ ऐसा एहसास होता है। लेकिन जब बाहर आता हूँ, मार्केट में आता हूँ, तो बाज़ार के काम में, तजारतों में, बाजारों में ऐसा मसरूफ होता है कि वो सब भूल जाता है, वो दिल में खशियत को खौफ ही नहीं, वो फिर खौफ ही रहता, वो जन्नत जहन्नम, वो जन्नत की नेमतें, वो जहन्नम का आज़ाद, वो सब दिमाग से निकल जाता है। फिर हम वैसे अपने कारोबार में मस्त हो जाते हैं, कि ऐसा तो नहीं कि मुनाफिक हो गए, हम मोमिन होते खिदमत में, तो वो कैफियत बनती है, वो कैफियत होती है, बाहर आते हैं तो बदल जाते हैं, तो कहीं मैं अभी मुनाफिक नहीं हूँ, चलो चलो चलते हैं। और जैसी हालत मजलिस में तुम्हारी होती है, अगर बाहर निकल कर भी वैसी ही रहे ना, तो जीना मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये बाहर जाकर थोड़ी सी कैफियत दूर होती है, थोड़ा सा बाजार में भी तुम्हारा कामकाज में भी दिमाग लगता है, अल्लाह का फजल है, ये भी अल्लाह का करम है कि तुम बाजारों में भी दिमाग लगा पाते हो, वरना वहां भी बस वही ख्याल रहे जहन्नम में कैसा होगा, क्या होगा कि मैं जा, तो फिर वो कारोबार भी मुश्किल हो जाएगा, घर यानी कि बीवी बच्चों के साथ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर यही कैफियत बाहर जाकर भी हो तुम्हारी, तो फिर तो फरिश्ते नाजिल होकर तुमसे मुसाफा और मुआनका करेंगे, ऐसी कैफियत अगर हो जाए,
तो फरिश्ते नाजिल होकर तुमसे हाथ भी मिलाएंगे, तुमसे गले भी मिलेंगे, है ना। लेकिन ये कैफियत हर इंसान की बरकरार नहीं रहती है। लेकिन मतलब ये नहीं कि तुम मुनाफिकों को ईमानदार हो, ये वो सहाबा की कैफियत थी। हम तो कभी सोचते ही नहीं, हम तो कभी सोचते ही नहीं कि हमारा क्या हाल होगा। हम दुनिया से मोमिन ईमान के साथ जाएंगे कि जाएंगे कभी नहीं जाएंगे, हम सोचते ही नहीं है, है ना। आजकल का तो फितरों का ऐसा दौर है कि बंदे की जबान पर गाना है, यानी एक समझो नहीं गा रहा था लेकिन कहीं बज रहा था जोर जोर से, तो उसकी जबान पर आ गया, आ जाता है। एक माइंड है, माइंड सेट है, हम जो बात सुनते हैं हमारी जबान पर भी आ जाते हैं, गाने खास तौर पर। तो वो चल रहा था जोर जोर से तो हमारी जबान पर भी आ गया, वो कलमे कुफ्र था, हमने भी कलमे कुफ्र बोला, हम काफिर हो गए, ईमान से निकल गए। बस वहां से आगे बड़े एक्सीडेंट हुआ, मर गया बंदा, कैसे गया? तो हमने सब किया, हम तो दुआएं भी कर रहे हैं कि अल्लाह मगफरत फरमा, अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमा, कब्र पर रहमत और नूर की बारिशें नाजिल फरमा, है ना। सौ सौ कुरान बैठकर पढ़े जा रहे हैं, आयत करीमा पढ़ा जा रहा है, दुरूद पढ़ा जा, सब कुछ, और ईसा अलैहि सवाब किया जा रहा है, लेकिन सवाब पहुंच ही नहीं रहा। कि काफिर के लिए ईसा अलैहि सवाब कैसा, वो गया ही कुफ्र के साथ, माफ भी नहीं होना, कुफ्र माफ नहीं होना, गुनाह माफ हो सकते हैं। एक बंदा कितना भी बड़ा गुनहगार था, दुनिया से गया, हमने मगफरत की दुआएं की, सारे सवाब किया, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह माफ फरमा दे, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है अल्लाह माफ फरमा दे, अजाब कम होता जाए, कम होता जाए, खत्म हो जाए, हमारे सारे सवाब करने की वजह से, हमारी दुआओं की वजह से। लेकिन अगर हालत कुफ्र में गया, है ना, तब तो फिर कोई चांस ही नहीं है, है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी हो गया, कभी उसे मुआफ़ नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु शिर्क, है ना, अल्लाह ताला शिर्क और कुफ्र जो है वो माफ़ नहीं फरमाएगा, उसके सिवा जिसके लिए जो चाहेगा माफ़ फरमा देगा, जो चाहेगा माफ़ कर, लेकिन बस शिर्क माफ़ नहीं होना। तो अब ये तो यानी हो सकता है ना कि अभी चलो वो गाना गया, कुफ्र हो गया था, बाई चांस वो फिर कभी यानी कि आया मस्जिद आया, या कभी किसी मौके पर उसने कलमा पढ़ लिया, तो हो सकता है वो वापस मुसलमान हो गया कलमा पढ़ने की वजह से। अगर पढ़ा तो अब हम सोचें ना कि हम कितनी बार कलमा पढ़ते हैं, कब कब पढ़ते हैं हम, है ना। मैं निकाह खानी में वो पढ़ाता हूँ तो कितने तो लोचे मार रहे होते हैं, क्यों? इसलिए कि उनको तो आता ही नहीं कलमा, कलमा नहीं आता। तो जब उन्हें यानी कि कहने की बात है कि आवाम अब जो है ना वो कलमों से भी दूर हो गई। पहले के माँ बाप तो ये थे कि बच्चे सो रहे हो ना तो कहते हैं चलो बच्चों कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ के सो, ये माँ बाप का हाल था। आजकल माँ बाप भी टीवी में मोबाइल में लगे हुए हैं, औलादें भी टीवी मोबाइल में लगी हुई है, और वही देखते देखते सो गए, आखिरी में जो जाग रहा था वो बंद करके सोता है, आखिरी में जो जाग रहा था उसने बंद की और सोया, कभी कभी वो भी चालू रह गया, मोबाइल ऐसे देखते देखते ऐसे ही सो गया, तो मोबाइल भी ऐसे का वैसा पड़ गया और सो गया बंदा, पता ही नहीं है। तो कहने की बात यह कि कलमा पढ़ना तो आजकल किसी को तौफीक होती नहीं जल्दी। अच्छा ये तो कलमा पढ़ने की बात, कि चलो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, बाई चांस उसने पढ़ भी लिया कलमा के भाई चलो मैं पढ़ लेता हूँ, एक की आदत है। लेकिन अगर शादीशुदा हुआ तो निकाह से निकल गई थी, उसका क्या, बीवी तो निकाह से निकल गई थी, अब अगर उसके साथ ताल्लुकात, आपने कलमा पढ़ लिया तो आप मुसलमान हुए ना, बीवी तो वापस नहीं आई निकाह में, उसका क्या, उसको भी तो वापस निकाह में लाना है, वो पीर से जो बैत की थी वो भी टूट गई है, तो आप तो किसी के मुरीद भी नहीं हो, ज़िंदगी भर समझते रहे कि मैं फला पीर का मुरीद, मैं फला पीर का मुरीद, पता चला आखिरत में गए और पीर के पास पहुँचे, पीर साहब बचा लो, पीर साहब ने कहा तू मेरा मुरीद ही नहीं है, मेरी लिस्ट में तेरा नाम ही नहीं है, अरे मैं बना था लेकिन हाल कल मैं कुफ्र कहा था ना तो निकल भी गया था, मेरा मुरीद है ही नहीं। तो पता चला कि हम जो सोच रहे थे कि हमारे पीर के ज़रिए गौसे आज़म तक हम पहुँचे हुए हैं, गौसे आज़म से हज़रत अली और हुज़ूर तक पहुँचे, वो सिलसिला ही नहीं है, बैठ टूट गई, निकाह टूट गया, कलमा पढ़कर मुसलमान तो हो गया लेकिन ना निकाह वापस किया, तो जिना ही जिना, गुनाह ही गुनाह, समझ रहे थे बीवी के साथ अच्छा सवाब का काम है, गुनाह का काम हो रहा था। तो ये यानी कि बड़ी सख्त बात है, बहुत सख्त बात है, लेकिन हमने तो सोचना छोड़ दिया। अब वो सहाबा थे, उन्हें ईमान की कीमत पता थी, उन्हें ईमान की वकायत और अजमत पता थी, वो अपने ऊपर खौफ करते थे, उनके ज़माने में कुरान नाजिल हो रहा है, तो
तो हर बात उन्हें यानी कि वो ऐसा महसूस करते थे इन चीज़ों को। आज हमने ईमान को महसूस करना छोड़ दिया है ना। तो कहने की बात ये कि हमारी नज़र में वो ईमान की वो वकात नहीं रही। तो अब ये गाना गाया निकल गया बंदा है ना। हमने कभी तजदीद ईमान किया, कभी तजदीद बैत की, कभी तजदीद निकाह किया। हम निकाह दोबारा कर लें कि चलो यार किया हो ना किया हो एक बार निकाह तो कर लेते हैं। तजदीद निकाह में मेहर की भी ज़रूरत नहीं है। आप यानी कि महीने महीने साल साल में एक आध बार कर लिया करें अपनी बीवी से। किसी ज़्यादा लोगों को बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है। दो लोग यानी कि सामने हों, घर के दो लोग हों और आपस में यानी कह लिया मैंने तुझसे निकाह किया, उसने कहा मैंने कबूल किया, बात ख़त्म हुई, मेहर की भी ज़रूरत नहीं। ये तजदीद निकाह करते रहना चाहिए और यानी कि कलमा भी पढ़ने की आदत बनानी चाहिए कि कभी हमारी ज़बान से कोई ऐसी बात निकल गई हो तो दोबारा हम मुसलमान हो जाए। तो ये जो है अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे अपने फ़ज़ल व करम से उसे अता फरमाए। तो अब अगर अल्लाह की हिदायत है, उसने हमें अता किए, हमें ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह किसी और कौम को खड़ा कर सकता है और उसके ज़रिए से अल्लाह अपना दीन आगे बढ़ाए। हमारे अल्लाह को हमारी परवाह नहीं है। हम ये समझे कि हम नमाज़ पढ़ के एहसान करते नहीं, ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारी ज़रूरत है। उसने फ़र्ज़ भी इसीलिए की कि ये वो अमल है कि जिस पर अमल करके तू जन्नत वाला हो सकता है, जन्नत में आ सकता है। तो बहरहाल हमें चाहिए कि हम जो है ना वो पिछली कौमों के हालात से इबरत हासिल करें और इबरत हासिल करके हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक तौफीक अता फ़रमाए। आगे की तफ़सीर इंशाअल्लाह आइंदा हफ़्ते बयान होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।